एक ऐसा दिन दोस्तों जिसका बेसब्री से 500 साल से इंतजार किया जा रहा था। कितनी जनरेशन्स पीढ़ियां निकल गई इस दिन को देखने के लिए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी राम मंदिर के लिए। 16th सेंचुरी, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में लोगों का सपना था कि वो राम मंदिर बनता हुआ देखे। कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, पर हम कितने खुश नसीब हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हम बनता हुआ देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर को बनाने की ये लड़ाई कितनी ज्यादा पुरानी है। 500 सालों के संघर्ष के बारे में बात करेंगे हम। ये वीडियो बहुत जरूरी है हर एक भारतीय के लिए। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था और 1528 में बावन ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को किरवा कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। 3000 मंदिर थे सीताराम के अयोध्या में। कहा जाता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंची और तभी उस मंदिर को तोड़वाया। लेकिन 250 साल होने के बाद भी हिंदू इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान राम के जन्म स्थान की जगह पे मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बनाती। 1826 में मॉन्टगोमेरी मार्टिन की एक रिपोर्ट आती है कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लगाए गए हैं। उसके बाद एक ही जगह पूजा और नमाज होने लगी। 1885 में ये बात अदालत तक पहुंची, पर अदालत ने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर 1947 पे जब देश आजाद हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि हमें आज़ादी मिल गई है, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। पर किसी भी नेता की बातों से नहीं लगा कि राम मंदिर बन जाएगा। फिर 1949 में विवादित जगह से घंटियों की आवाज़ आती है, वहाँ श्री राम की पूजा हो रही होती है। हिंदू दावा करते हैं कि प्रभु राम की मूर्ति पिछले रात वहाँ पर प्रकट हो गई, पर मुस्लिम कहते हैं कि ये रात को वहां पे प्रकट नहीं हुई, इस मूर्ति को वहां पर रखा गया। अब उस जगह पर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है बहुत ज्यादा। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास ये बात पहुंचती है। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने अदालत में अर्जी डाली राम जी की मूर्ति की पूजा के अधिकार के लिए। 1980 में बीजेपी के आने पर राम मंदिर आंदोलन में चीजें बदलने लगती हैं। फिर 90s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह अयोध्या में विवाद हो रहा था वहां मिले अवशेषों से प्रूफ होता है कि पहले वहां हिंदू मंदिर था। फिर 9 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। ये जो स्ट्रगल है ना दोस्तों, बहुत लंबा है प्रभु राम मंदिर के बनने का। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें, इस मंदिर के बनने में। 500 सालों के इंतजार के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस पल का इंतजार कितने सालों से था, ये जो सपना है काफी बड़ा है और जो अभी पूरा होने वाला है। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन और खुशी का दिन है। 25 लाख फैमिलीज देश भर से अयोध्या आएंगे उस दिन के लिए, इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए। 1000 से भी ज्यादा ट्रेन चलेंगी अयोध्या के लिए। नया एयरपोर्ट भी बन चुका है अयोध्या में। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ मंदिर से जुड़ी, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। मंदिर की नींव के लिए पूरे देश में से 2500 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई है। यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल है इसमें। 2000 फीट मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है। राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी कुछ बातें हैं इसके अंदर। इस टाइम कैप्सूल को जब हजारों साल बाद भी देखा जाएगा तो मंदिर से जुड़ी सारी बातें जान पाएंगे वो लोग जो इसे देखेंगे। भगवान राम की मूर्ति कई हजारों साल पुराने शालिग्राम शिला पावन पत्थर से बनी, ये नेपाल से लाया गया है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम उनके अवतार माने जाते हैं। 150 से ज्यादा नदियों के पवित्र जल का उपयोग हुआ है इस मंदिर की नींव रखने में। 8 बड़ी नदियां, 3 समुन्दर और श्रीलंका में 16 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से जल लाया गया। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ राम मंदिर को लेकर कि अयोध्या में जो मुस्लिम परिवार रह रहे हैं उनका क्या मानना है, उनकी क्या सोच है, वो कितने खुश हैं। देखिए सामने अदनान साहब क्या लग रहा है? एकदम बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम लोग का दिल से अपने घर का दरवाजा खुला हुआ है, आइए रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लग रहा है, इकबाल अंसारी भी अपना दरवाजा खोल के रहे? हाजी महबूब साहब
लोग तो है ही है, हम लोग है ही है, खोलना ही पड़ेगा दरवाजे। जी जी बिल्कुल। अभी 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज आती है, मैं आपको एक न्यूज के बारे में बताता हूँ, जिसमें बोला जाता है कि राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। ये धमकी मिलती है, ये कहानी, ये षड्यंत्र जब आप पूरा सुनोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको पता लगेगा कि हमारे समाज में हमारे जो ये लोग हैं आसपास रहते हैं इनकी सोच कितनी घटिया और गिरी हुई है। ये जो 2 लड़के हैं ना, इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी ये जो लड़के हैं इन्होंने अपना नाम बदला और इन्होंने अपनी नकली ईमेल आईडी बनाई। ये जो नाम और ईमेल आईडी है इन्होंने मुस्लिम नेम से बनाई, मैं आपको आगे स्टोरी बताता हूँ। और इन्होंने ये जो ईमेल आईडी बनाई और अपना नकली नाम रखा, उस ईमेल से धमकी भरे ईमेल्स भेजे और बोला कि बम से उड़ा देंगे हम मंदिर को। और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी धमकी दी। ये जो लेफ्ट में लड़का है ना, इसका असली नाम है ताहर सिंह, और जो राइट में लड़का है उसका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, और जो बीच में है इनका नाम है देवेंद्र तिवारी। और ये जो साजिश है ना, ये करी है इनमें, जो बीच में बैठे हैं ना ये तिवारी जी इन्होंने। और ये जो 2 लड़के हैं इन्होंने बोला इन्हें फेक आईडी बनाने के लिए, और इनका नाम रखवाया इन्होंने शारिक खान और जुबैर खान। इन नाम से किसी को भी लगेगा कि ये तो मुस्लिम है, और इनके अंदर कितनी ज्यादा नफरत है इस चीज को लेके, लोगों की गलत सोच बनेगी इस चीज को देखे। पर देखिए ना, हमारे देश में कैसा गलत माहौल बनाया जाता है, कैसी पॉलिटिक्स खेली जाती है कुछ लोगों द्वारा। अब सोशल मीडिया द्वारा ये बात पूरी स्टार्टिंग में फैल जाती गलत, और कुछ लोगों की वजह से हम सब मुस्लिम्स को टारगेट करते, उन्हें बदनाम करते और विलन बनाने की कोशिश करते, और ये अलग अलग तरीके अपनाते, बोलते कि सब ऐसे। ये जो बीच में इंसान है ना, इसने खुद को ही मेल करवाई, खुद को जब ये मेल करवाता है इन्हीं 2 लड़कों से, और खुद को ये एक बहुत बड़ा राम भक्त बताता है, जब ये खुद को मेल करवाता है इन 2 लड़कों से, तो ये पुलिस को और गवर्नमेंट को बोलता है कि मैं निशाने पर हूँ, और सीएम जी भी निशाने पर है, और मंदिर भी निशाने पर है, और ये 2 लड़के हैं और इनसे हमें खतरा है। उसके बाद ये न्यूज फैल जाती है, और ये बात तो बाद में जाके क्लियर होती है। तो ये जो मुस्लिम्स के खिलाफ जो नफरत का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना, ये जो केस है, ये कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं इस चीज का, कुछ लोग गलत करते हैं, भड़काऊ चीज बोलते हैं, भड़काऊ मैसेजेस, ईमेल, बहुत सी चीजें फेक भी होती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि इंसान गलत होते हैं, पूरा मजहब गलत नहीं होता। कुछ इंसानों की वजह से हम पूरी कम्युनिटी, कुछ एक हिंदू की वजह से सबको गलत नहीं कह सकते, किसी एक मुस्लिम की वजह से, किसी एक पंजाबी की वजह से, सरदार की वजह से, क्रिश्चियन की वजह से, इंसान गलत होते हैं, उनके परवरिश गलत होती है, उनके दोस्त गलत होते हैं, उनके विचार गलत होते हैं, ना कि एक इंसान की वजह से करोड़ों लोगों को आप गलत कह दोगे। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको मंदिर की लंबाई के बारे में। मंदिर की लंबाई 380 फीट की है, इसकी जो चौड़ाई है वो 250 फीट की है, और जो ऊंचाई है वो 161 फीट की है। ये 3 मंजिला होगा मंदिर, और हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। इसके अंदर 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं। हैंडीकैप और जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है मंदिर के अंदर। गाजियाबाद के एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है मोहित पांडे, उन्हें राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। इनकी एज सिर्फ 22 साल है। जब मंदिर में भगवान राम की सेवा के लिए पुजारियों की नियुक्ति होनी थी, उस टाइम पे देश भर से 3000 पुजारियों का इंटरव्यू लिया गया था। इसमें जो मैक्सिमम एज थी वो 30 साल तक की थी। इंटरव्यू के बाद 50 विद्यार्थियों का चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में किया गया है, और इसके अंदर मोहित पांडे भी शामिल है। श्री राम मंदिर को बनाने में मजबूती का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। इस पूरे मंदिर को पत्थर और कंक्रीट से बनाया गया है। 8.0 मैग्नीट्यूड तक का ये अर्थक्वेक को झेल सकता है, और इसे कुछ भी नहीं होगा मंदिर को। 3 मूर्तिकारों ने भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई थी, बेंगलोर के जीएल भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे इसमें शामिल थे। अब 3 प्रतिमाओं में से एक को चुनना था, और जो इनकी लंबाई थी वो 51 इंच थी। अब इस चुनाव के लिए कमेटी बिठाई जाती है, और ये कमेटी मैसूर के मूर्तिकार द्वारा बनाई गई प्रतिमा को चुनते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, मैं जानना चाहता हूँ आपकी खुशी, आप कितने ज्यादा खुश हो, और ये पता लग पाएगी मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सब लोगों के साथ, सबको पता होना चाहिए राम मंदिर के बारे में, एक एक चीज के बारे में। ख्याल रखना अपना, जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है। और ये